अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे हंसते मुस्कुराते बहन भाई। आप आज फिर जो है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाई। मैंने पहले भी कहा था मैं अच्छी रहती हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, अच्छी रहती हूँ। आप लोगों को कैसी लग रही हूँ? ठीक ठाक लग रही होंगी। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी तेज़ी से क्यों बोल रही हूँ। यार बस तेज़ी से बोलने की आदत पड़ गई है ना भाई। सही बात है, इमरान मुझसे बोलते हैं तुम यूट्यूब पे बहुत ठहर ठहर के बोलती हो। तो मैंने कहा चलो भाई तेज़ी में बोलते हैं। तो हमारे हंसते मुस्कुराते बहन भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाई बहनों। मैं जो हूँ दीनी बात पे, आज दीनी बात पे अमल करते हैं। दीनी बात क्या? आज कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ जो है क्यों जैसे उतारा गया वो सबको पता है, लेकिन जब कुरान शरीफ उतारा गया है तो हमें उसको पढ़ें, हम उसको समझें और फिर हम उस पर अमल करें। लेकिन हम जो है उस पर आजकल के दौर में ये होता है कि हम उस पर अमल नहीं करते, ना समझते हैं, जो करना होता है वो कर गुजरते हैं। तो मैंने सोचा आज अपने बहन भाइयों से कुरान शरीफ के मुतालिक बात की जाए। कि और आप सबको पता था कि हम अपने YouTube फैमिली से अपने मोबाइल की वजह से थोड़ा दूर थे। वो दूरी इस वजह से थी कि आपको पता है मोबाइल हमारा ख़राब था, तो हम ना किसी की वीडियो को देख पा रही थी, ना सर्च किसी की वीडियो को देख ही नहीं पा रही थी। यकीन करें मोबाइल इस कदर मेरा ख़राब था। लेकिन अब जो है मैंने अपना मोबाइल जब हमारा सही हुआ है तो यकीन करें, हाँ आपको मेरे, मुझे पता है कमेंट्स नहीं जा रहे होंगे, लाइक नहीं जा रहे होंगे, लेकिन मैं अपने जो बहन भाइयों की वीडियोस देखती भी हूँ, इसी के आपको वॉच टाइम चाहिए और लाइक भी करती हूँ। बस ये है कि मैं कमेंट्स नहीं कर पाती, लेकिन लाइक ज़रूर करती हूँ, लाइक ज़रूर करती हूँ। और साथ में अपने और बहन भाइयों के अलावा जो हमसे सीनियर हैं, मैं उनकी वीडियोस भी देखती हूँ। आज मैं उनकी वीडियोस देखने के साथ साथ आज मैंने अली और अक्सा की वीडियो देखी। जब अली और अक्सा की वीडियो मैं देख रही थी कि वो कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा रहे थे, तो मैं अली और अक्सा को, जिन्होंने भी मशवरा दिया, वो अली और अक्सा कहते हैं कि उनको उनके दो तीन सब्सक्राइबर ने मशवरा दिया कि अली और अक्सा आप कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाओ, तो मैं अक्सा दोनों को ये बोलूँगी कि अक्सा अली आपने कुरान पाक उठाया, जिन चंद सब्सक्राइबर में कहा, लेकिन मैं भी आपके आप दोनों की, आपकी अम्मी की और आपकी सब्सक्राइबर ही हूँ, मैं आपको ये कहूँगी कि अली जब आपने कुरान पाक आया तो कुरान पाक उठाने कसम खाने के लिए नहीं होता, उसको समझने की कोशिश करें। उसमें कुरान पाक में ये लिखा है कि माँ बाप के हकूक़ कितने हैं और बीवी के हकूक़ कितने हैं, हमें ये समझना है। ये नहीं कि हमने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हमने कुरान पाक उठा कुरान पाक की कसम उठा खा ली। नहीं, मैं ये कहूँगी कि आप लोग उस कुरान पाक की कसम उठाने से पहले उसको पढ़ते, उसको समझते, फिर आप कुरान पाक की कसम उठाते। लेकिन मैं अपने आप को भी कहती हूँ, हम लोग कुरान पाक पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। उसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे कुरान पाक में क्या लिखा है, हमारे कुरान पाक में माँ बाप का हकूक़ कितना लिखा है, बीवी का हकूक़ कितना लिखा है, औलाद का हकूक़ कितना लिखा है। तो मैं अपने देखने वालों से, बहन भाइयों से यही कहूँगी कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप ही आपने ये गलत बात बोली है, और अगर मैं सही हूँ तो मेरी हौसला अफजाई करें कि नहीं आप ही आपने ये बात सही बोली है। और मेरे नए देखने वाले जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगी। जो बात मेरी बुरी लगी उसकी बात दोबारा मैं एक दफ़ा कहूँगी कि मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बात बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।